हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सचिन सिंह है। तो आज हम लोग बात करेंगे जे मेन 2021 के बारे में। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मुझे, तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि जे मेन 2021 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट हो चुका है। तो अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए रजिस्ट्रेशन। अगर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और NTA का वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा। और जो आप रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोटो यूज़ करोगे उसका आप लोग एक्स्ट्रा कॉपी ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आप सेंटर में जब अटेंडेंस होगा तब आपका उस समय हेल्प करेगा वो। मतलब आप जब अटेंडेंस दोगे सेंटर में तब आप लोग को वो सेम फ़ोटो लगेगा। और जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, तभी आपके चॉइस के सेंटर मिलेगा। आप लोग को पता ही होगा कि जे मेन 2021 चार बार होगा, पहला फरवरी में, दूसरा मार्च में, फिर अप्रैल में, देन मई में। तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों को चारों एग्ज़ाम देना होगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जैसे आप लोगों को समझ लीजिए कि अप्रैल और मई में कंफर्टेबल है तो आप अप्रैल और मई का ही एग्ज़ाम दीजिए। आप लोगों का ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को चारों एग्ज़ाम ही देना होगा, बट अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आप चारों एग्ज़ाम दे सकते हो तो आप लोग चारों एग्ज़ाम दीजिए। और अभी ये जो फॉर्म निकला हुआ है ये फरवरी का फॉर्म निकला है, ऐसे ही मार्च का निकलेगा, ऐसे ही अप्रैल का निकलेगा, देन मई का निकलेगा। ऐसा बात नहीं है कि फॉर्म एक ही बार निकलेगा, फॉर्म चार बार निकलेगा। बट अगर आप लोग कंफर्म है कि मुझे कितना बार एग्ज़ाम देना है, मतलब आपको चार बार देना है या दो बार देना है, तो आई थिंक आप लोग को एक ही बार में आप लोग को फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए। ऐसे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। नहीं तो ऐसे अगर आप इंडिविजुअली फॉर्म फिलअप करोगे, जैसे आप लोग फरवरी का करोगे अलग, फिर मार्च का अलग करोगे, फिर अप्रैल का अलग करोगे, फिर मई का अलग करोगे, तो आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप लोग चारों एग्जाम देना चाहते हो तो आप लोग एक ही बार फॉर्म फिलअप कर लो, ऐसे आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। 2021 का पैटर्न भी चेंज हुआ है। नॉर्मली 75 क्वेश्चन होता था, बट 2021 में 90 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 90 क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा और आप लोग को 75 क्वेश्चन अटेंड करने पड़ेंगे, यानी 15 आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। सेक्शन बी में चेंज हुआ है, सेक्शन ए में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो पहले सेक्शन बी में आप लोग को 5 क्वेश्चन मिलते थे, अब वो आप लोग को 10 क्वेश्चन मिलेगा। यानी सेक्शन ए में जो मिलता था आप लोग को MCQ टाइप क्वेश्चंस, उसमें 4 ऑप्शन रहता था और एक करेक्ट आंसर रहता था, और किसी किसी में मोर देन 1 भी करेक्ट आंसर रहता था। और सेक्शन बी में आप लोग को इंटीजर्स टाइप क्वेश्चन मिलते थे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता था, उसमें आप लोग को नंबर से आप लोग को आंसर लिखना पड़ता था। तो वो अब आप लोग को 10 मिलेगा, यानी 5 आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिला के आप लोग को 15 क्वेश्चन आप लोग को एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैथ का सेक्शन ए का 20 क्वेश्चन होगा और सेक्शन बी का 10 क्वेश्चन होगा, और फिजिक्स का सेक्शन ए का 20 क्वेश्चन होगा और सेक्शन बी का 10 क्वेश्चन होगा, और केमिस्ट्री का सेक्शन ए का 10 क्वेश्चन होगा और सेक्शन बी का 10 क्वेश्चन होगा। टोटल हो गया आप लोग का 90 क्वेश्चन, जिसमें से आप लोग को करना पड़ेगा 75 क्वेश्चन, यानी आप लोग को 15 जो मिलेगा वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा, जिससे इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ड्रॉपर्स को, या जो फुल सिलेबस करेगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं आप लोग को फिर से एक बार बोल देता हूँ कि सेक्शन ए में आप लोग कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें 20 क्वेश्चन है, तो आप लोग को 20 ही करना पड़ेगा, पूरा कंपलसरी 20 आप लोग करना पड़ेगा। बट सेक्शन बी में आप लोग को 10 में से 5 करना पड़ेगा, तो आप लोग को सेक्शन बी में ऑप्शन मिलेगा। और अगर हम लोग मार्क्स का बात करें तो वो सेम ही है, मैथ का 100 मार्क्स, फिजिक्स का 100 मार्क्स और केमिस्ट्री का 100 मार्क्स, टोटल आप लोग का हो जाएगा 300 मार्क्स, आप लोग का 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और अगर आप लोग का आंसर सही हुआ तो आप लोग को मिलेगा +4, और अगर आप लोग का आंसर गलत हुआ तो मिलेगा -1। ये आप लोग का सेक्शन ए का है, यानी सेक्शन ए में आप लोग को नेगेटिव मार्क्स मिलेगा और सेक्शन बी में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा, सेक्शन बी का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ये था जे मेन 2021 का पैटर्न। तो अब बात करते हैं जे मेन 2021 के सिलेबस के बारे में। तो जे मेन 2021 का सिलेबस कम नहीं हुआ है, तो ये गलत फहमी मत रहिएगा कि जे मेन का सिलेबस कम हुआ है। तो आप लोग का फुल सिलेबस आएगा, दैट्स वाई NTA ने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा दिया है, और इससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ड्रॉपर्स को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 75 कैटेगरी अभी हटा है कि नहीं, तो इसका आंसर है नो, वो अभी भी है। तो अगर आप लोग को एडवांस का एग्जाम देना है या IIT कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 75 कैटेगरी इज मस्ट। बट अगर आप लोग ST या SC हो तो आप लोग को 65% में ही काम हो जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग सबकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो से रिलेटेड या IIT से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।